नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल एचबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने काफ़ी घोटाले सुने होंगे, काफ़ी घोटाले देखे भी होंगे, चाहे वो बिहार के अंदर चारा घोटाला हो, चाहे वो स्कूलों के अंदर बेंच पहुंचाने के लिए बेंच घोटाला हो, चाहे वो जेबीटी भर्ती घोटाला हो। लेकिन अभी एक नया, फिलहाल खट्टर सरकार के अंदर एक नया घोटाला सामने आ रहा है, जिसे हम कहेंगे फैमिली आईडी घोटाला। जी हाँ, इस घोटाले में अधिकारी ही नहीं बल्कि आप और हम जैसे लोग भी इस घोटाले का हिस्सेदार बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। बताना चाहूँगा कि फैमिली आईडी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हरियाणा और राजस्थान के अंदर ही शुरू की गई है। ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर या कुछ अन्य स्टेट, हिमाचल प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, वहाँ पर आपको फैमिली आईडी का कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। ये हरियाणा से ही ज़्यादा शुरू की गई है और राजस्थान से ही शुरू की गई है। सरकार ने इसको शुरू किया है और शुरू होने के बाद इन घोटालों को नहीं रोक पा रही है। आम आदमी कैसे घोटाला कर रहा है, आपको बता दूँ कि आम आदमी, अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें 28,000 लोगों ने सिंगल फैमिली मेम्बर रजिस्ट्रेशन किया है ताकि इनको राशन मिल सके, ताकि इनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी तहत परिवार के साथ रहते हुए भी बुजुर्गों ने सिंगल फैमिली मेंबर रजिस्ट्रेशन किया है। 28,000 पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं जो 80 साल से ऊपर है, जिनको सिंगल फैमिली मेंबर, अगर 60 साल से ऊपर की बात की जाए तो ये आंकड़ा 1,00,000 के पार भी जा सकता है। यानी ऐसे बुजुर्ग लोग आपको देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने सिंगल फैमिली मेंबर रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें सरकार उनके लिए रहने का जुगाड़ भी कर रही है, क्योंकि बुजुर्ग है, सिंगल रहते हैं। सरकार क्या सोच रही है कि जो बंदा सिंगल रहता है, यानी सिंगल है, उसकी कोई परिवार नहीं है, तो उसके रहने का इंतजाम किया जाए। जिसके बाद सरकार को पता चला कि लोग झूठ बोल रहे हैं, पूरा परिवार है, पूरा साथ है, लोग दावे कर रहे हैं कि उनके मंती नहीं है बुजुर्ग के साथ, बुजुर्ग को बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, जब फोन कॉल आती है ADC ऑफिस से तो ऐसी ऐसी बातें होती है। तो यानी एक तरह से यह घोटाला ही किया जा रहा है। और दूसरा घोटाला क्या हो रहा है फैमिली आईडी के जरिए, इनकम का घोटाला। अगर आप आज 3,00,000 कमाते हैं, 4,00,000 कमाते हैं, तो आपके पास कॉल आती है तो आप कहते हैं 2,00,000 कमाते हैं। चलिए, वहाँ से भी अगर आपकी इनकम सही नहीं होती तो आप 400 या 500 रुपये देकर ADC ऑफिस से सही करवा लेते हैं। ADC ऑफिस के कर्मचारी इतने निकम्मे हैं जो पैसों के बिना काम ही नहीं करते, आप जाएंगे तो वो पैसे लेंगे। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी दुकानदारों को, काफ़ी लोगों ने, जो आप अगर ADC ऑफिस के अंदर जाएंगे तो बाहर आपको कुछ लोग मिल जाएंगे या आपको नोटरी वाले लोग मिल जाएंगे कि आप इतने पैसे लेंगे, आपका काम हो जाएगा, 2,000 रुपये लगेंगे, आपकी फैमिली आईडी सेपरेट हो जाएगी, 1,000 रुपये लगेंगे, आपकी इनकम कम हो जाएगी। यानी घोटाले हो रहे हैं और इस घोटालों में वो नोटरी वाले अफसर, नोटरी वाले जो भी है, प्राइवेट लोग होते हैं या सेसी सेंटर चलाने वाले कुछ लोग, वही शामिल नहीं बल्कि उनके साथ ADC ऑफिस के अधिकारी भी शामिल हैं। तो ये बहुत गंभीरता की बात है, फैमिली आईडी के जरिए घोटाले हो रहे हैं और इस घोटाले को जन्म करने वाला, घोटाले को पैदा करने वाला कोई नहीं बल्कि हरियाणा सरकार है, जिन्होंने फैमिली आईडी बनाई। और फैमिली आईडी कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि बिना फैमिली आईडी के पहले भी काम चलता था और आज भी काम चलता है। फैमिली आईडी के अलावा, जिसको इस तरह से कंपलसरी बनाया जा रहा है कि लोगों को फैमिली आईडी के दर पर राशन दिया जाएगा या राशन कार्ड बनेगा, तो सरकार डायरेक्टली राशन कार्ड बना सकती थी सर्वे करवाकर, लेकिन फैमिली आईडी के कारण लगातार लोगों को परेशानियों का सामना भी हो रहा है और घोटाले तो जो मैंने बताए वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब वो परिवार नहीं बख्शे जाएंगे जो परिवार के साथ जो बुजुर्ग रहते हैं और फिर भी उन्होंने सिंगल फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन किया है। अब दोबारा फिर से सर्वे होगा, अलग घर है तो ठीक है, अगर आप एक घर में एक साथ पाया गया पूरा परिवार, सर्वे करेंगे सरपंचों के माध्यम से, मेम्बरों के माध्यम से, स्कूल के टीचरों के माध्यम से ये सर्वे होगा। और बुजुर्ग अगर आपके साथ रहता है तो उसकी फैमिली आईडी ऑटोमेटिक मर्ज कर दी जाएगी इनके द्वारा, अगर वो अलग नहीं रहता है तो उसका हर्जाना भी आपको भरना पड़ सकता है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट कर सकते हैं। जुड़ लीजिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।